तो पुणि थे फेरिया से ही खबर को आज कोरापुटर कोटिया अंचल परिदर्शन करेंगे राज्य बीजेपी टीम विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती समेत दस जना टीम कोटिया अंचल पहुंची स्थितर समीक्षा करने सहित लोकों सहित आलोचना करेंगे। अधिक सूचनापी फोनलाइन अच्छा प्रतिनिधि गोपाल पाणी। गोपाल, बीजेपी टीम केतबेले पहुंचिबो एवं कौन सब कार्यक्रम रही आज कोटिया रे? 12 घंटे बेलू पहुंचा कथा जेहेतु कोटिया, किंतु जेहेतु रायगढ़ से बाहर डेरी हो सारी, जेहेतु रायगढ़ छाड़ी एक घंटा बीती गला, लक्ष्मीपुर पहुंचे, लक्ष्मीपुर पहुंचला लक्ष्मीपुर देखिए सीधा सेमिलीगुड़ा पहुंचे, सेमिलीगुड़ा सीधा कुंदुली, कुंदुली रू कोटिया पहुंचे। कोटिया पहुंचला सीटी आलोचना करेंगे, जेहेतु ये हूँ निर्वाचन जेहेतु अच्छी 13 तारीख आंध्र सरकार ओडिशा भितर निर्वाचन कर व्यवस्था कर प्रस्तुत भी सरी जाए कि कहें जेहतु कोटिया अंचल जेहतु तीन पंचायत से कोटिया पंचायत रंचायत तीन गांव तीन पंचायत विवाह करतोटी गांव को तीन पंचायत करूँ गोटे पंचायत निर्वाचन हम आ दुईट पंचायत तरह चयन कर जेहतु गोटे पंचायत निर्वाचन हम तार व्यवस्था भी करी पाटू सीनियर जो फटोचित्र गोटे अच्छे आम जो सूचना आनीचु जेहतु सरकारी विद्यालय ओडिशा सरकारी विद्यालय आंध्र सरकार निर्वाचन मतदान करने सब व्यवस्था करी पर्यंत जदि कह गत पूर्वतन सांसद जयराम पाई गस्त करते जहां भी सूचना रखिंट जेहतु आंध्र सरकार आसा विद्यालय मतदान व्यवस्था कर सरकार राज्य सरकार दृष्टि केमी पड़े ताकू नहीं से प्रश्न भी रखिंट बर्तमान आम साथी भी जयराम पाई अच्छा प्रतिक्रिया रखु सीधा सख बिल्कुल हेलो आज्ञा सुक्त पांगी कहतु आज बीजेपी दस जनिया प्रतिनिधि दल पहुंचुची तो आज कार्यक्रम कौन रही बीजेपी कोटिया आज कार्यक्रम है आंध्र सरकार साहस कर सीधा सड़क निर्वाचन करने कौन पाते मानने आवश्यकता पड़ा आंध्र जबरदस्त को निर्वाचन कर राज्य सरकार कौन पदक्षेप नहीं था कि नईता यह सब विषय अनुसंधान करने स्पोर्ट जी विचार कर बीजेपी आंध्र सरकार आज साहस कोटिया अंचल निर्वाचन कर स्कूल मात्र शिक्षक ना मेडिकल मेडिकल डॉक्टर पोस्टिंग ना मेडिकल जो जो रोगी जीव से क्या ट्रीटमेंट कर स्टाफ नवस्था एवं यार सुजोग नहीं कि आंध्र आस्ते आस्ते भर मारि आंध्र तरफ कौन प्रकार डेवलपमेंट करना गांव को गोटे दिटा लगा पोखरी देखते बाकी किसी देना द्वित कथा से आंध्र सरपंच मान मसिक 10,000 टंका समिति मेंबर 10,000 टंका वार्ड मेंबर को 2,000 टंका जिलापद मेंबर को 15,000 टंका मासिक दरमा रखी से लोभर मध्य किसी लोक ये नमिनेशन भी फाइल करते सत्वे भी राज्य सरकार दायित्व था जिला प्रशासन दायित्व था जेहेतु कि बिवाद अंचल से आम कौचु ये जगार आंध्र जबरदस्त कर दलागिरी कर आसी निर्वाचन करने गले जदि आगुर सजग हो राज्य सरकार व जिला प्रशासन तेत दूर जा ना गत थर मैंने मनोनीत कर किंतु एमती मान मनोनयन पत्र दाखल कंटेस्ट करवा यहाँ प्रथम थर हो तो क्योंठना क्योंठी आपन को लगुच बीजेपी प्रतिनिधि दल गस्त करने अंचलवासी सहित आलोचना करने तार कौन प्रभाव पड़े लोकों पर सरकार निश्चित आर पड़े लोक तो निश्चित भाव में लोक गत काल रात पार्टी जा लोक बुझे लोक मान जेहतु अलरेडी स्कूटिंग सरी उइथ्रा समय चली जाइला तेणु प्रत्याहर करने कहले भी शुणा अवसर ना तेणु से कथा भी आम चेष्टा कली कि देखिली से आंध्र दुई जन महिला ठीक कराई आंध्र जड़े आंध्र सैड दुई खंड गाँ आम ओडिशा सैड रही गाँ अच्छी तो आपको 7 खंड गाँ नहीं पंचायत कराई 21 खंड गाँ को 3 भाग विभक्त कर सात गाँ हिसाब से भाग कर दुईटा अनकंटेस्ट गंजे पदर फगुन सिन्हर अनकंटेस्ट हो सारी केवल पार्टी सिन्हर दुई जन प्रतिद्वंदिता कर
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଗାଁ ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ଭିତରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ଜଣେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଜଣେ ମହିଳା ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେପିର ଏକ ଦଶ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଏତେ ବାଟ କଥା କେମିତି ଗଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତ ବିଜେପିର ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁକ୍ତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବିଜେପି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଟିଆରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।